यदि संतान कोई दुष्कर्म करती है तो क्या उसका अपराधी केवल वो संतान होता है? नहीं, यदि संतान दुष्कर्म करती है तो उसके अपराधी उसके माता पिता भी, जो पुत्र मोह के कारण उसे अनुचित करने से रोक नहीं पाए। अपराधी उसके पितामह भी है, जो अपने उत्तरदायित्व के बोझ के कारण कभी परिवार पर ध्यान नहीं रख पाए, उस संतान को कभी दंड नहीं दे पाए। अपराधी उसके गुरु भी हैं, जो अपने शिष्य के ये कुकृत्य देखकर भी उसे प्रताड़ित नहीं कर पाए। एक भावी राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के समक्ष वो एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करे, परंतु यदि इतना अनुचित उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है तो माता पिता का, घर के बड़ों का ये कर्तव्य है कि वो उसे वहीं पे रोक दे, या तो प्रेम से या तो दंड देके। यदि नहीं रोका गया तो महाभारत अवश्यंभावी है। भोजन, अब भोजन पाने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता है, हर संभव प्रयास करता है, फसल उगाने के लिए बहुत परिश्रम करता है, किंतु कई बार बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी फसल अनुपयुक्त निकलती है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपने परिश्रम तो पूर्ण किया, पर आपका ध्यान उस बीज पर गया ही नहीं जिसे आप बो रहे थे। इसलिए कभी भी किसी भी बीज को बोने से पूर्व उसकी जांच कीजिए, यह अत्यंत आवश्यक है। और उसी प्रकार जब बात आती है कर्म की, तो केवल परिश्रम पर्याप्त नहीं है। उस कर्म के पीछे आपका कर्तव्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्म कीजिए, किंतु उस कर्म के पीछे आपके कर्तव्य के महत्व को भी समझिए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आपने कभी किसी साधारण पक्षी को देखा है, जैसे गौरैया? वो क्या करती है? किसी वृक्ष की टहनी पर अपना घोंसला बनाती। अब वहां पे घोंसला बनाना सरल है, क्योंकि सामग्री जो है आसपास मिल जाती, परंतु समस्या है आक्रमण। कोई सर्प या कोई और पशु उसके घोंसले पे, उसकी संतान पे आक्रमण ना करते, इस बात का भय होता है। और ये सबसे कठिन होता है गौरैया के लिए, अपने घोंसले की, अपने संतान की सुरक्षा। अब बाज, यदि बात की जाए बाज की, तो बाज क्या करता है? बाज किसी ऊंचे शिखर पर, किसी चट्टान पर अपना घोंसला बनाता है। अब वहां पे घोंसला बनाना बिल्कुल भी सरल नहीं, क्योंकि सामग्री आसपास नहीं मिलती, दूर से लानी पड़ती है। परंतु वहां आक्रमण का भय भी नहीं होता। इस प्रकार उचित रूप से वो अपने घोंसले की सुरक्षा कर पाती है, अपने संतान की सुरक्षा कर पाती है। इसका सार यही है कि यदि समस्या बड़ी हो तो सुझाव भी ऊंचे होने चाहिए। एक बास की भांति सोचना आरंभ कर दीजिए, जीवन में हर एक समस्या छोटी लगने लगेगी। राधे राधे। मनुष्य जीवन में सदैव ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, और उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करता। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, याचना करता है, किसी से सहायता लेता है, पर इतना सब कुछ करने के पश्चात भी कई बार मनुष्य ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता। यदि पहुंच भी जाए तो कभी कभी शीघ्र ही नीचे उतर जाता है। कारण क्या है? एक उदाहरण से समझाता। ये है मोर पंख और ये है एक पत्थर। और यदि इस पंख को मैं हवा में उछालता तो ये उड़ता, यही पाषाण तुरंत ही नीचे आ जाता है। कारण क्या है? भार। ये पाषाण भारी है और यही तो सीख हमें प्राप्त करनी है। इसी प्रकार यदि हमारा मन द्वेष और अहंकार के भार से भरा होगा तो ये कभी ऊंचा उठ नहीं पाएगा, उठ भी जाए तो शीघ्र नीचे आ जाएगा।
तो इस मन के भार को हल्का कर दीजिए, अहंकार को, इस द्वेष को त्याग दीजिए, फिर उड़ान भर के तो देखिए किन ऊंचाइयों में उड़ते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य सदैव जीवन में सुख चाहता है, पर ये सुख ये है क्या? क्या रूप है इस सुख का? मैं बताता हूं, इस सुख के दो रूप होते हैं, बाहरी सुख, आंतरिक सुख। और ये ठीक वैसे होते हैं जैसे हमारे शरीर से जुड़ी ये परछाई और हमारे शरीर के भीतर रह रही ये आत्मा। यदि बात की जाए परछाई की, तो कभी आप देखिए सायंकाल में, प्रातः काल में ये परछाई लंबी होती जाती है। जैसे ही सूर्य सर के ऊपर आ जाता है, ताप बढ़ जाता है, ये छोटी हो जाती है। और जैसे ही अंधकार आ जाता है, ये परछाई आपका साथ ही छोड़ देती है। ऐसा ही होता है बाहरी सुख। यदि बात की जाए हमारे शरीर के भीतर रह रही इस आत्मा की, तो ये कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदैव हमारे साथ जुड़ी होती है। ऐसा ही होता है आंतरिक सुख, ये सदैव हमारे साथ रहता है। आंतरिक सुख किसी की सेवा का, आंतरिक सुख किसी की सहायता का, आंतरिक सुख प्रेम का, ये कभी साथ नहीं छोड़ता। वही बाहरी सुख, जब तक आपके पास संपन्नता है, कुछ लोग हैं, कुछ सुविधाएं हैं, ये बाहरी सुख आपके साथ रहेगा। संपन्नता चली गई, लोग चले गए, सुविधाएं चली गई, बाहरी सुख भी चला जाएगा। तो इस आंतरिक सुख को खोजिए और इसी सुख के साथ कहिए राधे राधे। मनुष्य कई प्रकार के मनोरथ करता है, इच्छाएं करता है, अभिलाषाएं करता है, कामनाएं करता है, स्वप्न देखता है, चाहता है वो सफल हो, उसे संपन्नता मिले, और अंततः निराश हो जाता है क्योंकि ये सब नहीं होता। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वन का राजा किसे कहा जाता है? सिंह को। अब सिंह वन का राजा, इसलिए मृग उसके पास आकर ये तो नहीं कहता कि आप तो वन के राजा हैं, आप मुझे मार दीजिए, आप मुझे खा जाइए और अपनी भूख को मिटा दीजिए। ऐसा तो नहीं होता। भले ही सिंह वन का राजा हो, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके उसकी भूख मिटती है। ऐसे ही आपके सारे स्वप्न, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी अभिलाषाएं, सारी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी, अवश्य होंगी, परिश्रम से, केवल सोचने से नहीं। तो आप भी जीवन में परिश्रम कीजिए, अपने सारे स्वप्न पूर्ण कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी किसी ऊंचे पर्वत के शिखर तक पहुंचे, यदि आप पहुंचे हैं या यदि आप किसी ऊंचे पर्वत पर जाएंगे, तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे सर्वप्रथम सारी वनस्पतियां लुप्त होने लगती हैं, तत्पश्चात सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी लुप्त होने लगते हैं, अंततः शिखर पर रह जाती है केवल शांति, एकांत। अब मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य जब आत्म विकास की ओर बढ़ने लगता है, अपने जीवन के शिखर पर पहुंचना चाहता है, तब उसे एकांत की आवश्यकता होती है और उसे साथ छोड़ना ही होता है अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी संपत्ति का, अपनी समृद्धि का, अपनी सुंदरता का। देखिए, जीवन के शिखर तक पहुंचना ये सरल तो नहीं है, अत्यंत दुर्गम मार्ग है, किंतु यदि आप वहां पहुंचना ही चाहते हैं, तो आपको त्याग की प्रवृत्ति जागृत करनी होगी। त्याग क्या है ये सीखना होगा, क्योंकि त्याग से ही मन में शांति आती है और इसी शांति से मन में उत्पन्न होता है प्रेम, और ये प्रेम ही तो है जीवन का अंतिम लक्ष्य। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। कभी कभी हम जीवन में सोचते हैं, वो व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चलता है, यदि उससे कोई भूल हो जाती है, तो नियति
तुरंत ही उसे कठोर दंड दे देती। परंतु वो लोग जो संसार के बड़े से बड़े अधर्मी हैं, बुरे से बुरे कर्म करते हैं, उन्हें नियति अनेक अवसर देती है। उन पर नियति इतना कठोर प्रहार नहीं करती। ये सोच आती है कभी ना कभी मन। अब सोचिए ऐसा क्यों है? देखिए, जीवन को अधिकतर लोग एक ही पहलू से देखते हैं। हर पहलू से देखना चाहिए। मुझे बताइए, क्या संसार में कोई भी अधर्मी प्रेरणा स्रोत बन सकता है? कदापि। जो व्यक्ति स्वयं की ही आत्मा को मलिन कर देता है, वो संसार को प्रेरणा क्या देगा? वो स्वयं ही समझ नहीं पाता उचित क्या है, धर्म क्या है। तो नियति उसे एक अवसर देती है, अवसर देती है समझने का उचित क्या है, धर्म क्या है। अवसर देती है विवेक जगाने का, अवसर देती है अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनने का। जब ये भी नहीं होता तो नियति के पास एक अंतिम विकल्प पेश रह जाता है, और वो है महाविनाश। जो भली ही देरी से आए किंतु आता अवश्य है, और जब महाविनाश आता है तब महाविनाश की पीड़ा समस्त मनुष्य जीवन की पीड़ा से कहीं अधिक होती। ये बात सदैव स्मरण रखिए। अब दूसरा व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा होता है, उससे यदि कोई भूल हो जाती है तो नियति उसकी परीक्षा लेती। उस समय मनुष्य को लगता है कि नियति ने उसे कठोर दंड दिया, पर समय के साथ हम सभी देखते हैं, जब वो व्यक्ति उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, उस समस्त संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अर्थात नियति हर एक व्यक्ति को उसके कर्म का उचित फल देती है, उचित दंड भी देती है। अंतर है तो बस समय और आपकी सोच का। तो धर्म के पथ पर चलिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।